अस्सलाम वालेकुम, तुसी देख रहे हो मुंद्रा फैन साई वाली यूट्यूब चैनल। मैं तारी यूसुफ, उम्मीद करते हैं सारे भरा ठीक ठाक हो गए। अल्लाह ताला सब का शौक सलामत रखे, माल जान औलाद च बरकत अता फरमावे। अज असी तुहानू शेयर करांगे अपने वंडे दे विच असी जिहड़ा तेल बनाया सी। जिहड़े भाइयों ने वीडियो वेखी है पहले तेल बनाने वाली, वो डिस्क्रिप्शन मैं लिंक भी दे दियांगा। वो तेल असी तैयार किया तो जानवरों में यानी कि फरबा करने लिए इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट भी इंशाल्लाह तुहानू दिखावांगे, उसकी मकदार कितनी इस्तेमाल करनी है तो किस तरह इस्तेमाल करना वो थोड़ा अज इंशाल्लाह असी डिस्कस करते हैं। मैंने इस्तेमाल करते हैं तकरीबन अज 12-13 दिन हो गए। आ तेल आप बनाया सी, ये ना एक जानवर के हिसाब से ना तुसी तकरीबन 20-25 सीसी जिहड़ा जानवर 70-80 किलो का ना उन्हें 20-25 सीसी यानी कि तुसी दे सकते जी एक टाइम च। सब तो बेहतर तरीका ना जिहड़ा वो यही है कि तुसी ना उन्हें इस तरह वंडा ले लो, वंडे दे विच मिक्स कर दिओ। जानवर के हिसाब से ना तकरीबन 20-25 सीसी तुसी इस्तेमाल कर सकते हैं। इहना जानवर बंद नहीं होता, अंदर खुशकी नहीं रहती जानवर से, और जानवर खुलता चंगी तरह है, जिसम खुलता जानवर का, क्योंकि फरबा करने लिए जानवर उसका जिसम खुलना बहुत जरूरी होता। जिहड़े जानवर तुसी फरबा करना उन्हें तेल का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, ताकि अंदरों जानवर ठंडा रहे, बंद ना हो, खुराक अपनी सही लवे। थोड़ा इस्तेमाल करके ना इंशाल्लाह ये रिजल्ट भी चेक करावे। बेटा लस्सी की बोतल पाओ। अच्छा एक होर चीज़ है ना, तुसी बाद थोड़ी जी लस्सी नाल इस्तेमाल जरूर करनी। लस्सी हो जाए, दही हो जाए, मेरे को लस्सी पई सी तो मैं तो लस्सी पावगा। तुहाडे को अगर लस्सी नहीं है, दही दुकान तो मिल जाता है, वो ले आओ या घर बना लो, वो तुसी लाजमी नाल इस्तेमाल करनी। चंगी तरह मिक्स कर लेना इस तरह। थोड़ी आप ऐड कर ली थोड़ी थोड़ी आप ऐड करा है अपने को शीरा शीरा राज शुगर मिल की प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट होती है, जिहड़े इलाकों मिला है उतों तो आसानी ना मिल जाता, तो जिहड़े इलाकों मिला नहीं है उत्थे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो बंदे आइटम वगैरह सेल करते उन्होंने को मिल जाता। वैसे
इस तरह मिक्स हो गए, इस तरह की फॉर्म च आ गया। देख लो आप तेल भी मिक्स कर दिता, शीरा भी मिक्स कर दिता, जिहड़े जानवर खुश्क चारा खाते जिन्होंने आप ड्राई मैटर ज़्यादा इस्तेमाल कराने उन्होंने तेल की जिहड़ी है ना बड़ी जरूरत होती है। बस बंदे यानी कि तेल इस्तेमाल नहीं कराते, चारा खुश्क इस्तेमाल कराते हे हो गई या दूसरा इस तरह का तूड़ी चौकर वगैरह, तो वह जानवर ना अक्सर बंद हो जाते के बाद मसला बनता। उन्होंने वास्ते ना लाजमी चीज़ यह है कि तुम ना मिठा सोडा तो तेल वगैरह का इस्तेमाल है ना लाजमी कराओ। मैं तो डेली बेस से अगर इस्तेमाल ना कराव मिठा सोडा तो दूसरे तीसरे दिन लाजमी है ना मिठे सोडे का भी जानवर के हिसाब न एक चमच लाजमी देगा जी। और अलहमदुल्ला अपने जानवर बंद नहीं होंगे, पेशाब का कोई मसला नहीं बनता, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जानवर चारा वगैरह सही खाते हैं क्योंकि मेदे की पी एच बरकरार रहती है ना, जानवर तजावियत करता है। जेड़े भाई फार्मिंग करते हैं ना, फार्मिंग के शौक दो अलग अलग चीज़ फार्मिंग वाले जेड़े आ उन्होंने खर्चा बचाना होता, जेड़े बंदे शौक करते हैं ना उन्होंने वास्ते पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। वो कहते कि जानवर अच्छा तैयार हो जोड़ा फार्मर हों कार वो चल जानवर चो है ना बचत हो। इस वास्ते जोड़े फार्मर भाई है ना वो इन चीज़ा इस्तेमाल ना भी कर अपनी सादी खुराक से चराई वगैरह से लोग पाल लेंगे उन्होंने गुजारा हो जाता। लेकिन जिन्होंने शौक भी जानवर रखे होंगे वो फिर कहते कि जानवर सोहना तैयार हो अच्छा फरबा हो ताकि जानवर देखने भी खूबसूरत लगे, वो फिर भाई ज़्यादा खर्चा कर लेंगे भी यानी कि तरह तरह दी चीज़ा इस्तेमाल करा लेंगे अपने जानवर। उम्मीद करते हैं तुहानू अज की वीडियो पसंद आई होगी, इजाजत दियो, अस्सलामु अलैकुम।